और अगर आज हम बात करें मर्द की, तो मर्द भी औरत की तरह खुदा की खूबसूरत तख्लीक है। मैंने अगर मर्द को लड़कियों पर फिक्रें कसते हुए देखा है ना, तो दूसरी तरफ उस आदम जात को अपने घर और औलाद के लिए दूसरों की गालियाँ सुनते बातें सुनते हुए भी देखा है। मैंने अगर मर्द को हवस का पुजारी देखा है ना, तो दूसरी ही तरफ उस मर्द को बहनों के जहेज के लिए पाई पाई जोड़ते और अपनी उम्र गुजारते हुए देखा है। मैंने अगर मर्द को अना परस देखा है, तो दूसरी तरफ मर्द को अपनी सीट औरत के लिए छोड़ते, औरत को लंबी कतार में खड़े हुए रहने की जहमत से बचाते हुए भी देखा है। मैंने अगर मर्द को बेहिस और बेनियाज देखा है ना, तो उसी मर्द को परदेस में धक्के खाते हुए भी देखा है। मैंने अगर मर्द को औरत को पाँव की जूती समझते हुए देखा है ना, तो दूसरी तरफ उसी मर्द को बिनते हवा को सर का ताज बनाते हुए भी देखा है। क्योंकि हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, जैसे कि हर सिक्के के दो रुख होते हैं, कि अगर वजूद जन से तस्वीरें कायनात में है रंग, तो ये तस्वीर मुकम्मल भी मर्द के वजूद से ही होती है।